आरटी अंतर्गत शाला प्रकरण में मुख्य आरोपी शाहिद शरीफ अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। सदर पुलिस फरार आरोपी शाहिद शरीफ के भाई राजा शरीफ को गिरफ्तार कर चुकी है। राजा को बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने राजा को 8 जून तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। बताया जाता है कि जांच में वह पुलिस का सहयोग नहीं कर रहा है। वह बार बार बस यही रट लगा कर रखा है कि उसे कुछ भी नहीं मालूम। शहीद शरीफ से उसका कोई संबंध नहीं होने की बात वह कह रहा है। आरोपी राजा शरीफ के बारे में पुलिस को जानकारी मिली थी कि वह आरटी से प्रवेश लेने वाले इच्छुक धनाढ्य पालकों की खोजबीन करने का काम शाहिद शरीफ के लिए करता था। इसी जानकारी के आधार पर सदर पुलिस ने उसे मंगलवार की दोपहर हिरासत में लिया। इस दौरान राजा शरीफ कार से बाहर भागने की तैयारी में था, लेकिन पुलिस को उसका पीछा कर टीवी टावर से फुटाला की ओर जाते समय दबोच लिया। सदर थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मनीष ठाकरे के नेतृत्व में कार्यवाही शुरू है। राजा शरीफ को गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायालय में पेश कर उसका 3 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। 19 मई 2024 रोजी पुलिस स्टेशन सदर येथे अपराध नंबर 324/24 कलम 424/4/71/34 भारतीय दंड विधान संहिता फिर्यादी गट शिक्षण अधिकारी श्री दुर्गे यांच्यावर तो गुन्हा नोंद झाला होता। त्याच्यामध्ये आतापर्यंत 2 पालक आणि 1 शहीद शरीफ व जमशेद शरीफ यांचे सहकार्याला अटक केली होती। परवाच्या रात्री आम्ही शाहिद शरीफचा भाऊ राजा शरीफ व जमशेद शरीफ मानकापूर याला आम्ही अटक केलेली आहे। त्याची 3 दिवसाची पोलीस कोठडी मिळालेली आहे। सदर गुन्ह्याच्या तपासामध्ये असं लक्षात आलं की काही पालकांचे रेफरन्सेस जी अटक झालेली सहकारी जी महिला आरोपी होती तिच्यातून माहीत झालं होतं, त्यावरून आम्ही त्याला अटक केलेली आहे। आणि आता PCR दरम्यान आम्हाला जर काही नवीन गोष्टी त्याच्यातून निष्पन्न होण्याची शक्यता आहे। राजा शरीफ यांच्यावर सीताबर्डी येथे 1/307 अन्वय गुन्हा नोंद आहे आणि इतर जे 3 गुन्ह्याची आहे त्याच्याबाबत आम्ही पडताळणी करणं सुरू केलेलं आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।